नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिविल इंजीनियर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि इंडियन आर्मी में सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है। सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिविल इंजीनियर्स के लिए यह जॉब इंडियन आर्मी की तरफ से अनाउंस की जा रही है। स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी मैरिज हो चुकी है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, बट जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे रिलेटेड यदि कोई भी जॉब आती है तो आपको इस चैनल पर जरूर से जरूर मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर होनी चाहिए। और एज काउंट डेट की बात करें तो 1 जुलाई 2021 तक आपकी जो एज है 20 ईयर से एक दिन कम नहीं होनी चाहिए और 27 ईयर से एक दिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि आपका सिविल इंजीनियरिंग में बीई या फिर बीटेक है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ यदि आप सिविल इंजीनियरिंग बीई या फिर बीटेक के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको 1 जुलाई 2021 तक सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 11 पोस्ट है। और इसके साथ साथ यहां पर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम दिए गए हैं, आप ये पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। और यदि आपका इस एग्जाम में रैंक अच्छा आता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अक्टूबर 2021 में इसी तरह की एक वैकेंसी और आएगी, एक ट्रेनिंग और होगी जिसमें आपका सिलेक्शन इसी के बेसिस पर हो सकता है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 49 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी। प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो स्टार्टिंग रैंक होगी लेफ्टिनेंट होगी और उसके बाद आप इसी लिस्ट के हिसाब से एक एक पोस्ट पर आपका प्रमोशन होता चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लंबी लिस्ट दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। और स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो लेफ्टिनेंट पोस्ट पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 56,000 होगी। तो सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी है, यदि आपको यह जॉब मिल जाती है तो आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधाएं दी गई हैं। आप पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो इस जॉब को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट की बात करें तो www.joinindianarmy.nic.in आप इस वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप टू स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आप इन्हीं इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो SSB इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू लोकेशन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट दी गई हैं, इन सभी में जो आपके नज़दीक हो, जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं, उस लोकेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट उस समय आप सेलेक्ट कर पाएंगे जिस समय आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। SSB इंटरव्यू आपका 5 डेज का होगा। यदि आप SSB इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 25 फरवरी से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट की बात करें तो 26 मार्च को इस जॉब को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। सो इस पूरे नोटिफिकेशन को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।